आज है मेरा इवेंट, आई स्पेशली इनवाइटेड मिस्टर अरीब। आंखें बंद करके जरा दिखाना शाइन। ये मैं नानी मियां करा फिर। तो ये मेरी फुल लुक है। हमारे हाथ कांपेंगे ऐसे? नहीं, ये तो आपकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। प्रोफेशन और पैशन दोनों जब मिलते हैं तो कम्युनिटी बिल्ड होती है। मेरी स्पीच हो चुकी है। हम ना कभी एक अपना सेशन रखेंगे, पॉडकास्ट पूरा। हाँ, हम प्रॉपर रखेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मुझे लग रहा है कि हम ग्राउंड टूर नहीं है, हम तो नहीं फंस सकते। अरे फंस गए असली में। जनवरी बोल गए ना करें। Welcome to astrology. This is me, Ikra Kamal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. Din shuru ho chuka hai. Aaj hai mera event and I will be the speaker. Us event mein main apne bare mein, apne journey ke bare mein bahut si cheeze bataungi. Yahan pe hame join karenge kaun kaun log. Sabse pehle to meri behno mein se mere sath Zainab jayegi aur Rabia ne jana tha lekin uska kahi aur plan ban gaya, so isi wajah se. Baki I specially invited Mr. Ali taki wo mere sath jaye and you know capture the moments ke kis I know I got the girl and I capture the moment and I kisi ko na chitr padne wale hai kisi ko na chitr padne wale hai kisi ko nikla tum chalak idhar aana zara tumne mujhe मुझे वैसे भी चाहिए, बल्कि मुझे ड्रेस अभी चाहिए। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है मुझे बताओ। नहीं, वो मैंने जो मेरे कमरे में है वो नहीं रहा, वो मैंने ऑलरेडी डिसाइड। गाइस, ये मैंने ऑलरेडी अपना ड्रेस निकाल के रखा हुआ है, ठीक है? इसने नहीं निकाला। हेल्प क्या, उसकी बेल्ट नीचे फेंक दी है। यार वाकई बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ। अपना ड्रेस दो मुझे। कोई एक बात बताऊँ? हाँ, इसके साथ ना एक बेल्ट है ब्लैक कलर। हाँ, फिर उसका ब्लैक हील अच्छी लगेगी। चलो दे दो, चलो शाबाश जाओ। मेरी हर चीज ना लो तुम, ठीक है? और जूता मैं यही पहनूंगी। गाइस, वो है कॉर्सेट, बहुत प्यारा। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम लेकर आई हो। और एक बात और मैं आपको बताना, मैं भी बता ही रही थी। खैर, उसने मुझे बदतमीज ने आकर डरा दिया कि आज हमें अरीब ज्वाइन करेंगे और हमें डक्की भाई ज्वाइन करेंगे, बहुत से हमें यूट्यूब के क्रिएटर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो लेट्स सी आज हमारी किन किन से मुलाकात होती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद सारी चीजें देखिएगा। मेरी मम्मी बनाने लगी है मेरे लिए पराठा, मैं बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर दिया। मैंने कब से मम्मा को वैसे कहा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। मानो आपने नहीं जाना साथ, तो आप नींद में क्यों हो? मानो फुल ऑन नींद में, उठो जाओ यहाँ से, जल्दी उठो, रेडी हो रहे। मैं कपड़े शपड़े निकाल रही थी, ढूंढ रही थी। तुमने निकाल लिया? तुम्हें क्या पहनना है? जल्दी करो, मम्मी ने मुझे बहुत इमरजेंसी में बुलाया। हाँ जी मॉम। पहले मैं समझती थी शायद मुझसे पराठा पड़ जाता, लेकिन अब मैंने देखा तो नाम पे पड़ता है। यार ये क्या मसला है इसके साथ? और मम्मा पता टेडी बियर बन गया है, ऐसा लग रहा है किसी ने बीच में। कल जब मैंने बनाया उसमें हार्ट बन गया। अच्छा, तो मैंने कहा ये इकरा का दो फट गया, ये देखो ये मैंने ज्यादा को बनाया, वो नहीं फटा। मम्मा वो थोड़े दो छोटे सुराख है, लेकिन ये नहीं फटेगा, ये पता नहीं क्या है तेरे में। अब मैं इस पराठे को खाऊंगी गाइस, तब तक मुझे लगता है कि मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैंने अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर लगा लिया और अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ। बाद में आती हूँ नीचे तो फिर खाऊंगी मम्मा, पहले मैं अभी खा के जाऊँ। हाँ यार, मैं लेट हो जाऊंगी फिर, प्लीज। मेरा नाश्ता वाश्ता हो गया था और मैं बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी तैयार हो चुकी हूँ। एंड आज मैंने पिंक मेकअप किया, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं, तो आज मैंने थोड़ा हटके ट्राई किया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आई मेरे बाल करेगी, क्योंकि मेरे सिर्फ बाल रह गए हैं, ये मेरे जूते हैं। बेल्ट तो बहुत सूटेबल लगी है साथ, ठीक है, परफेक्ट मैचिंग। अब बस मेरे बाल बना दे प्लीज। क्या बाल बना दे? रोलर कोस्टर। तुम ऊंची क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। छोटी फाइनली अब मेरे बालों की बारी आ चुकी है और बाल हथे चढ़ने लगे हैं जी। हीरा फैसल के तो अच्छे ही हथे चढ़े हैं, लास्ट टाइम एक तो मेरे जन्म ने बनाए थे, अब हीरा मेरे काम आई। अच्छा वाला काम। आंखें बंद करके जरा दिखाना शाइन, आंख बंद करके ऊपर दिखा के। जब मैं नानी मियां करा फिर, अगर मैं आंखें ना नीचे करूं फिर। यह ग्लैम मेकअप, दिस इज ग्लैम मेकअप डन बाय हीरा फैसल। हीरा जरा मेरी लुक दिखा दे जल्दी से। मैं लाइट ऑन करो, थोड़ा ग्लैम थोड़ा कम दिख रहा है। ग्लैम बाय हीरा फैसल बुरा लग रहा है। जा रही हूँ बदतमीज। अच्छा लग रहा है, मैं वैसे कह रही हूँ। हंस क्यों रही है बदतमीज? ये देखो इतनी प्यारी, ये शाइन है, ये मैं कही थी वहाँ जहाँ लाइट्स होंगे ना। अब अपनी एक मिनट आईज क्लोज करना, लाइक दे खानी मियाँ कराई जा रही है ना। करा मैंने ना ये ट्रिक खेली है यहाँ पे, वो कभी आप थोड़ी प्यारी है ये। ओके, यही तो अच्छी लगती है। मम्मी कैसी लग रही हूँ?
मानो ये क्या है, ये तो फियरलेस है। जल्दी आओ, नाश्ता नहीं ना किया मानो ने, कोई बात नहीं मान आके करेगी। मानो की वजह से मैं लेट हो रही हूँ, आपकी वजह से हो रही हूँ। आप नजर आ रही है मुझे तैयार, अभी तक इयररिंग्स पहन रही है। चल तो पहले ओके बाय। अब मैं गाइस निकलने लगी हूं, बाय, वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट है। जल्दी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। तो हम जाएंगे, देखेंगे क्या किस तरह बोलती हूँ, लाइव देखेंगे, मजा आएगा। तो हाथ कांपेंगे ऐसे? नहीं, मैं लास्ट टाइम कराची गई थी, इतना मजा आया था। तो अब देख लेते हैं ना, आज मैं सामने हूँ ना, हाथ तो फिर कांपेंगे ही कांपेंगे। ओह माय गॉड, अरे मुझे पहले से ही फियरलेस मानो, फियरलेस मानो। चले यस, हम लेट हो रहे हैं। हम जब आपने मुझे बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बाल हीरा से बनवाए, सारा मेकअप इसने हीरा ने मेरा किया। मैंने अपना कर लिया था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं सुमेना जरा ग्लैम लुक देती हूँ, तो उसने मुझे फिर ये पता नहीं किया, मुझे नहीं पता। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरे इयररिंग्स में मैंने बटरफ्लाईज के पर पहने। लिपस्टिक नहीं समझ आ रही मुझे, लिपस्टिक कुछ हो रही हो सकती है, लेकिन कपड़ों के साथ मैचिंग है। तो कपड़ों के साथ, आई अल्लाह, हीरा ने मुझे क्या बना दिया, मुझे अजीब लग रहा है रीप, लिटरली मुझे अजीब लग रहा है, थोड़ा ज्यादा है मेकअप। हाँ, उसने मुझे कहा तुम्हें क्या पता, तुमने कभी किया नहीं है इस तरह का। लेकिन मैंने वाकई में नहीं किया कभी इस तरह का। ऑन स्क्रीन अच्छा आ रहा होगा। हाँ, वो ये कह रही लाइट्स में तुम जाके हैं, मुझे दुआएं दूंगी। मैं देखो क्या लग रही हूँ, अल्लाह अपना अच्छा नहीं लग रहा गाइस, मेरे में क्या करूँ। अच्छा लग रही है, अच्छी लग रही है। अगर नहीं भी लगे तो कुछ हो तो सकता है। अरे बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे, मुझे मुझे सबसे पहले आप रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही कहा है कि वैसे वैसे आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा कि मैं स्टेज पे जाऊंगी। अच्छा लगेगा, ऐसी बात अच्छा लगेगा, लोग सुन रहे होंगे। तो पता नहीं, देखो क्या होता है, मुझे सिनेरियो भी नहीं पता कि कैसा होना कैसा। हाँ, ये तो आपकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। मेरी तो नहीं है, तुम्हारी है। अच्छा, स्पॉट करने जा रहा हूँ। एज यूजल अपनी रीत बरकरार रखते हुए लेट हो गए हैं, मतलब 4 बजे का टाइम था, 4 बजे का टाइम था और अरीब 4:30 आए हैं। तो अरीब की वजह से, अरीब की वजह से। हाँ, अरीब आप लेट आए, देखिए मैं जैसे ही गाड़ी आई है मैं नीचे आई हूँ ना, है ना, ये अरीब की वजह से हम लोग लेट हुए। यहाँ पे मेरी वजह से लेट होते हैं और घर में पापा की वजह से लेट होते हैं। 4 बजे पहुँचना था, 4:30 हो रखे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्पीड टू स्पीड अरीब घुमाएंगे, 120 की स्पीड पे हम लोग जाएंगे। वैसे तो 80 में अभी फिलहाल, लेकिन 120 की स्पीड में हम लोग पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट को। तो गाइस फाइनली वी आर हियर। उनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा सुनाई चाहिए, यूट्यूब पे होगा अपडेट किस तरह रही, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, जो ग्रोथ उन्होंने देखी है वो किस तरह है, होपफुली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर सम। अल्लाह मानो, सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा ये क्रिएटर है इकरा फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, इकरा प्लीज आए। इसके साथ साथ आई विल इनवाइट मिस्टर राणा हमजा सैफ फ्रॉम शपैक गैंग, एंड लास्टली हो सकता है आपने इस क्रिएटर का सुना हो या पता नहीं, लेकिन साबिर रहमान के डाकी भाई, प्लीज कम टू द स्टेज। लेकिन जब मेरी इनसे बात होती है, आई रियलाइज दैट वी आर सो मच मोर देन सिंपली द टर्म ब्लॉगर। हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एंड व्हाट यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि मैंने फैमिली बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा था व्हेन आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि हर बंदा इंडिविजुअली वीडियोज बना रहा था या कपल्स की वीडियोस आ रही थी, तो फैमिली बॉन्ड बहुत कम है। और आजकल वैसे भी हम सास बहू के ड्रामास देख के बहुत दूर हो चुके हैं इन चीज़ों से, तो मुझे लगता था कि वो केमिस्ट्री दिखाना ज़रूरी था। देन मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि मेरी स्पेशलिटी यही है कि आई शो फैमिली बॉन्ड इन माई व्लॉग्स, इन माई शॉर्ट्स, इन माई लाइव स्ट्रीमिंग इन एवरी। ऑन दैट पॉइंट ऑफ फैमिली बॉन्ड, आई थिंक हमारी एक बार बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आप तो सिर्फ आप नहीं, आपके चैनल में, आपके घर में सॉरी सात चैनल्स हैं हमारे। कौन कौन, हु ऑल इज क्रिएटिंग? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद इकरा कवल, डॉक्टर मियां फैसल, हिरा फैसल, फातिमा फैसल, राबिया फैसल, ज़ैनब फैसल। क्या बात है, तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब आज आए नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को इन्वाइट किया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अदरवाइज उनको मैंने बताया था कि लोग आपके बड़े फैन हैं। कूलेस्ट क्रिएटर तो वही हैं, उनका आपने मूव पता नहीं अगर देखा है। कूलेस्ट डैड एवर, कूलेस्ट डैड एवर। क्या ये इंटेंट होना चाहिए वायरल होने का, क्या हाउ टू अप्रोच इट? साथ आपके ही नंबर पर काफी ज्यादा लोगों के अंदर ना सोच है कि हम शायद एड्स चलवाएंगे, अपने आप प्रमोशन करवाएंगे, या हम लोग शायद पैसे दे के किसी को शाउट आउट करवा देंगे या कोलैब करवा देंगे तो हमारा जो है ना चैनल चल पड़ेगा। अगर ऐसा ही होता तो आज पाकिस्तान में हर पैसे वाला यूट्यूबर होता। ऐसे भी लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं, इतना वायरल हो जाते हैं, हर प्लेटफॉर्म में उनका जिक्र हो रहा होता है, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स
उनका जिक्र तो दूर की बात, नामो निशान भी नहीं होता। अच्छा, वायरल होने को मैं ये कंसिडर करती हूँ कि जिसको मिल जाए वो खुश हो जाए वक्ती तौर पे, क्योंकि खुशी आजकल वैसे ही बड़ी कम मिल रही है। लेकिन उसको आप ये समझ लेना कि मैं वायरल हो गया हूँ, नाउ मैं इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ, क्योंकि प्रोफेशन और पैशन दोनों जब मिलते हैं तो फिर कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है और कम्युनिटी बिल्ड होती है। जब आप कोई चीज़ बनाते हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है स्टार्ट में, लेकिन एक बार जब आपने अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ तय कर ली तो फिर आप 3 महीने बाद भी एक वीडियो डालते हो ना तो कम्युनिटी बन गई है, वो देखेगी। मनो का मजा आया बहुत, आप भी तो ऐसे बोल रही थी। हां यू नो मैं ऐसे अमाउंट ऑफ सब, अरे बाप को खाली होनी चाहिए उनके लिए। यहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अभी आपको मैंने एक अमेजिंग डांस दिखाया, अभी बारी बारी करके लोग आएंगे। सवेरों का मेरे तू सूरज लगे, यार ये बंदा मुंह से बजा रहा है, वेरी नाइस यार। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं हुकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान, ना मैं हुकी ना मैं आतिश ना पानी ना पान, बिबुले आसाया। ये दोनों जेमिनाइज हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोनों। मानो कैसा लगा, कैसा लगा आके रबिया को चलाओगे जाके? हुआ कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कहा है कि हमने ना खजाना छुपाया हुआ कुर्सियों के नीचे, सारे खाने की बजाय मानो आप जाओ ढूंढने, अरीब भी ढूंढने लग गए, मानो भी ढूंढने लग गए। पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, वो है असल इनाम है वो। हाँ जी मानो सो फाइनली गाइज इवेंट से फ्री हो गए हमारे सब दोस्तों ने, जिन लोगों ने हमें बहुत मजा आया हमें स्पीच का ज्यादा मजा आया, ओए अल्लाह जैनब हंस के थक गई, और जैनब की आज बहुत तारीफें हुई हैं, जैनब के पास बहुत लोग आए हैं, जैनब को कहा है कि मानो यू आर सो क्यूट, उसने होस्टिंग भी अच्छी की है। बेकी भाई भी बोल क्या थक गए, आप बोल के थके हैं या करे बोल के तो मजा आ रहा है, उसने बड़ी जल्दी सेशन रखा है ना, मुझे लगता था 1 घंटे का होना चाहिए। हम ना कभी अपना सेशन रखेंगे पॉडकास्ट पूरा, हां हम प्रॉपर रखेंगे टेबल कॉन्फ्रेंस, यस डकियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। खाना शाना खाने जाएंगे सब लोग, फिर आपको दिखाते हैं क्या करते हैं। गाइस हम लोग इवेंट से निकल गए थे, डकी भाई अंदर थे, डकी भाई की जो प्यारी सी वाइफ है वो अपनी गाड़ी में उनका वेट कर रही थी, अभी इनको गाड़ी से बाजियाब करवाया। मैं ना घंटे से बैठी हुई, पसीने मेरे गाड़ी का एसी खराब हो गया, चल नहीं रहा, अभी आते हुए मैंने गाड़ी बंद की तो वो गाड़ी ऑन हो गई और एसी चल गया तो मैंने कहा अच्छा मैंने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की। इसको कहते हैं प्रो मैक्स टैलेंट, ठीक है कि आप गाड़ी को बंद करके समझते हो एसी काम नहीं कर रहा यार, और इस वक्त मेरा दिमाग इतना सुन हुआ है, बिल्कुल सुन, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, आपको भी भूख लग रही है, अरे ये उतार दें मानो आप भी निकाल दो आप भी चलो। तो अब हम बस प्लानिंग कर रहे हैं, हम डकी भाई का वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे कहीं कुछ खाने के लिए, क्योंकि पेट में इस वक्त चूहे ना आए। हम लोग अपने खाने छाने की जगह पर पहुँच चुके हैं, बाकी गेस्ट का वेट कर रहे हैं, बीच के बाद खाना खाने आ गए हैं, रात के 9:30 सुबह के बैठे हैं, नाश्ता कोई तक नहीं किया। आप लोगों को ना मुझे थोड़ा स्टार फील कराना चाहिए था, स्टार एक तो गाइस पता नहीं मेरे कैमरे का क्या मसला है, बीच में ना ब्लर करा देता है, मेरी शक्ल भी ब्लर हो जाती है, मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं ब्लर आ रहा हूं, खूबसूरती ले गया ब्लर नहीं आ रहा, तुम्हारी बड़ी बतीसी निकल रही है। क्या बैठ जाओ मेरे लिए स्टूल बनाने, क्या सवाल कर सकते हैं क्या? हां कॉल करो उनको, हेलो हम फंस गए हैं, मुझे लग रहा है कि हम जाने तोड़ दिए, फंस गए, बस कर दो इतनी तुम वांटेड मूवी, अरे फंस गए असली में, जन्म नहीं भूल गए ना करें, अरीब चली मुझे लगा हम लोग हैं। So guys, मेरा खाना आ चुका है एंड ये अरीब का मोस्ट हेल्दी खाना, अरीब ने सबसे अच्छी प्लेट आपने अरीब ऑर्डर की है, ये देखिए जरा इतने सारे लवाजमा एक साथ और मुझे सिर्फ 1, 2, 3, 4, अब बाकी सब आपका नहीं आया अभी। मैं तो सोच रहा हूँ मुझे ये मंगवाना चाहिए, कल ही तो डाइट शुरू की है, हेल्दी भी लग रहा है, मानो का लाइफ स्टाइल बन गया, और ये अरूप ने तो महफिल ही लूट ली है, पिज्जा ऑर्डर कर
घर के। ये हमारे पास आई है एक एंगेजमेंट रिंग, कितना प्यारा लग रहा है, बॉक्स लग रहा है ना, एंगेजमेंट रिंग लग रही है ना। सब लोग जो है ना वो अब जा रहे हैं। ओके गाइस बाय बाय, मनो ने लगता है साथ जाना है। आज जकी भाई बहुत थके हैं, मुझे अंदाजा हो गया है बहुत ज्यादा। अब हम निकलने लगे हैं घर के लिए क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। इतना सर दर्द हो रहा है, मैंने लेंसेज अपने निकाले थे गाड़ी में कि बस मेरा सर थक गया। ये अल्लाह हाफिज़, बहुत मजा आया, टिक 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 के बगैर आप नहीं जाएंगे। टिक 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 टिक, नहीं ऐसे नहीं जैसे मैं करती हूं। कैसे करती है? बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच आने के लिए, फॉर माय सपोर्ट। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम एनी टाइम। ओके मैं गाइस जा रही हूं, मैं इतना थक गई हूं, घर जाके बाकी सूरत हाल आपको दिखाती हूं। कोई है घर पे क्या? अब खुला, इतनी देर से मानो दरवाजा लॉक कर रही है, लेकिन मजाल है कोई खोल दे, पता नहीं घर में सब क्या कर रहे हैं। गाइस मानो पापा देख रहे हैं टीवी, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैंने सिर्फ अपने हील्स निकाले और मैं चुप करके अपने कमरे में जा रही हूँ कि मेरी नींद से बुरी आदत हो रही, ऊपर से मैं हील्स पहने थे, मेरे पैर जख्मी हुए पड़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मामा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नहीं हो रहा।